हेलो गाइस, दिस इज शैबा फ्रॉम टेक इट चैनल को। गाइस, गूगल मैप्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। आपने कभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसको गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इसी गूगल मैप्स की मदद से चोर आपके बैंक अकाउंट को खाली भी कर सकते हैं? तो इसमें क्या इनके बैंक खातों की जानकारी लगाया जा रहा है उन बैंक खातों में? अक्सर जानकारी उनके पास मिल जाती है, बस इसी की मदद से। ये सच है कि गूगल मैप्स की मदद से आपको चूना लगाया जा रहा है और उनके बैंक के खातों की जानकारी आसानी से हासिल कर ले रहे हैं। आइए विस्तार से, डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि गूगल मैप्स के जरिए से लोगों को कैसे चूना लगाते हैं। और आपको सावधान रहने के लिए सबसे अच्छी बात और ज़रूरी है ये चीज़ के लिए कि पहले से आप अवेयर हो जाएं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं ध्यान से बताने वाला हूं और आपको इस चीज़ को ध्यान से सुनना है कि कैसे आप अपने जो मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ करते हो, किस तरह से आप उसको सेफ रख सकते हो, कैसे आप कर दोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट से शुरू से बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे कि जानते होंगे, आप ही ध्यान से इस मैप को यहाँ पे देख लीजिए। दरअसल गूगल की एक पॉलिसी है जिसे यूज़र जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी के तहत अगर गूगल मैप्स पर दी गई जानकारी में कोई भी एडिट कर सकता है, मतलब जो भी वो गूगल पॉलिसी है वो किस लिए है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। गूगल मैप्स पर दी गई सारी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ एड्रेस भी होता है, मतलब जो भी उस पर जानकारी होती है सारे मोबाइल, क्योंकि जब आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप अपने मोबाइल को एक्सेस करते हो, उसे पासकोड और मोबाइल एंड्रॉयड जो भी होता है स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ डिटेल वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो गूगल मैप्स इवन हर कोई जो एप्लीकेशन होता है उसे एक्सेस कर पाता है। अब धोखाधड़ी करने वालों को गूगल मैप्स को इसी पॉलिसी के गलत फ़ायदा उठा के, जो पॉजिटिव पॉलिसी होती है उसको गलत फ़ायदा उठाकर उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उन बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने का चक्कर चला रहे हैं। चोर गूगल मैप्स को गूगल रिसर्च रिजल्ट के बैंक में असली फ़ोन नंबर की जगह अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो ये एक न्यूज़ रिपोर्टर के मुताबिक मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। फिर वो क्या करते हैं, मोबाइल नंबर अपना गलत डालने के बाद, इसके बाद एक ऐसे ही बैंक फ़ोन में के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं जो आपको इन चोरों के जरिए कई जानकारी भी उनको मिल जाती है और आपको लगता है कि गूगल पर जानकारी दी गई है तो सही ही होगी। ऐसे में उस नंबर को गलत नंबर मानकर आप उस नंबर को फ़ोन करते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आया, मतलब गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको इन चोरों के द्वारा दी गई जानकारी मिलती है, आपको लगता है कि गूगल पर जो जानकारी दी गई है तो सही ही होगा। ऐसे में उस गलत नंबर को सही मानकर आप उस नंबर को उन नंबर पे फ़ोन करते हैं। फिर उसके बाद आप फाइनली आप हैक्ड हो जाते हैं यहाँ पे। अब आपको फ़ोन मतलब फ्रॉड करने वाले जो हैं इस वाले के पास और उसके बैंक की कर्मचारियों की तरह आपसे बात करते हैं, सेम जैसे कि आजकल फ्रॉड कॉल आते हैं, आपको आपसे बात करेंगे कि मैं फला जगह से फला बैंक से बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बात कर रहा हूँ, और या फिर आपका ये नाम है, हालांकि नाम सही वो बताएगा और आपसे कहेगा प्लीज़ कन्फर्म योर एक्सपायरी डेट, मतलब जो कार्ड का एक्सपायरी डेट होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो बहुत आजकल तो वैसे ही फ्रॉड चल रहे हैं कि डायरेक्टली आपसे तुरंत पूछेंगे कि मैं कुछ कंफर्मेशन के लिए कॉल किया है, जो कि आपका 1 से 2 साल हो जाता है कार्ड को, और फिर यही कहेंगे ये नाम आपका है, यस आपका लिया आपने, यस ठीक है आप का मुझे आप एक्सपायरी डेट बता दो, तो आप वहाँ पे आपको तुरंत ही रुक जाना होता है। तो ऐसे ही सेम आप उस बैंक के कर्मचारी समझकर पूरी अपनी जानकारी दे देते हैं, इसके बाद उनकी पहुंच आपके बैंक खातों तक हो सकती है और आपको बैंक के खातों को खाली कर देंगे। तो उसमें करना क्या होता है कि बहुत ही सिंपल टिप्स, जैसे कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट के साइबर पुलिस ने ऐसे धोखाधड़ी का खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो 3 ऐसे सामने
इस टाइप के मामले आए हुए हैं जो बैंक ऑफ इंडिया और 3 मामलों की जानकारी गूगल को भी दी गई है। हालांकि गूगल मैप्स के एडिट का फीचर्स अभी भी मौजूद है, लेकिन आप सावधान हो जाइए, वहां पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि पहले से आप एंड्रॉयड फ़ोन को अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं, मतलब कि अपना मोबाइल से रजिस्टर कर लेते हैं, दोबारा उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अलग से कोई फीचर्स ऐड करने की। और आप चाहते हो ऐड करना तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उनकी पॉलिसी है एज अ पॉजिटिव है उनको आप ठीक से, लेकिन अगर वो चीज़ आप ऐड करके फिर उसके बाद सामने से जब कोई कॉल करता है, अगर वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स आप प्राइवेसी आप शेयर करते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। वहाँ पे होगा कि आपने अपनी सारी जानकारी खुद से बताई, ठीक है। तो ये होती है सावधानी, कुछ एंड्रॉयड यहाँ पे टिप्स था जो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और नए मेहमानों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के जरिए मैं सारी वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचे। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।